नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। बिहार के लहरिया सराय स्थित केंद्रीय ट्रेड यूनियन और श्रमिक संगठनों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ असहयोग और अवज्ञा आंदोलन कर प्रतिरोध दिवस मनाया, जिसके बाद सरकार की नीतियों के खिलाफ कड़ी आलोचनाएं भी की है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन और श्रमिक संगठनों ने मिलकर संयुक्त रूप से केंद्र सरकार की जन विरोधी और श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध दिवस सहयोग और अवज्ञा आंदोलन कर मनाया। लहरिया सराय स्थित धरना स्थल पर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों में एक्टू सीटू एटक और अन्य स्वतंत्र फेडरेशन के नेताओं और सदस्य सैकड़ों की तादाद में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए केंद्र सरकार की वादा खिलाफी और जुमलेबाजी के विरोध में आंदोलनरत रहे। असहयोग और अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कर्मचारी नेताओं और कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन के जिला संयोजक फूल कुमार झा, एक्टू के जिला सचिव मिथिलेश सिंह, एटक के जिला संयोजक प्रदीप कुमार मिश्रा और सीटू के राज्य कमेटी सदस्य सत्य प्रकाश चौधरी संयुक्त रूप से कर रहे थे। इस अवसर पर एक्टू के उपाध्यक्ष उमेश शाह, सीटू के संयोजक HN झा और एटक के सुरेंद्र नारायण मिश्र की अध्यक्षता में आंदोलनकारी साथियों को संबोधित करते हुए कर्मचारी नेता फूल कुमार झा ने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना वैश्विक आपदा में लगातार श्रमिक विरोधी फैसले ले रही है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। उन्होंने कोयला खदानों के निजीकरण के सवाल पर कोल वर्कर के राष्ट्रव्यापी हड़ताल को समर्थन देते हुए सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। सीटू के राज्य कमेटी सदस्य सत्य प्रकाश चौधरी ने केंद्र और राज्य सरकारों से मांग किया कि इस वैश्विक महामारी को अवसर बनाते हुए बड़े पैमाने पर प्राइवेट सेक्टर में मजदूरों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, उन्हें वेतन में कटौती किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर ट्रांसफर और टर्मिनेशन जैसी कार्रवाई की जा रही है, जबकि केंद्र सरकार का दिशा निर्देश था कि वेतन में कटौती नहीं होगी, कोई कार्रवाई कर्मचारियों पर कंपनियां नहीं करेगी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार की दिशा निर्देश फेल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज। कोरोना के आर में श्रमिकों पर हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ट्रेड यूनियन अधिकारियों में कटौती क्यों, केंद्र सरकार जवाब। आज पूरे देश में तमाम केंद्रीय श्रम संगठनों द्वारा देशव्यापी प्रतिवाद दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र की सरकार ने कोरोना के आड़ में कोरोना से बचाने के कोई इंतजाम तो नहीं किया, अलबत्ता प्रवासी मजदूरों को उनके हालात पर छोड़ दिया, उनके काम के जगहों पर परवरिश करने का कोई इंतजाम नहीं किया, बल्कि उनको अपने हालात पर मरने खपने के लिए पैदल आने के लिए विवश कर दिया। कभी हिंदू मुसलमान का राग, कभी मंदिर और मस्जिद का राग इस देश में गाते रहा है, और देश की जो बुनियादी समस्या है, जो रोजगार का समस्या, शिक्षा का समस्या, स्वास्थ्य का समस्या, उससे इस सरकार को कोई मतलब नहीं है। हमारी पंचायत में वर्तमान में 26 मनरेगा योजना चल रहा है, जिसमें गरीब मजदूरों से एक सड़क में एक से दो दिन दोनों साइड से मिट्टी कटवा के कोदाली से रखवा दिया जाता है, और बाकी रोटावेटर से उसको जोत के पंचायत के ऐसे संभ्रांत महिला पुरुष वयोवृद्ध के नाम पे पैसे का निकासी किया जाता है, जो कभी आज तक घर से बाहर नहीं निकले। अब देखिए 11 जून 2020 को जो आदमी मुंबई से फ्लाइट से आया है, फ्लाइट का उसका नंबर है I-59167 इंडियन एयर एशिया, उससे वो पटना आया है और उसके नाम पे 20 मई से ही मजदूरी आ रहा है। अब जो आदमी 11 जून को मुंबई से आया ही है, उसके नाम पे 20 मई से मजदूरी कैसे निकल रहा है? इतना बड़ा मैंने ये क्राइम हमारे पंचायत में, ये पंचायत के मुखिया वर्तमान में बेल पे चल रहे हैं, इन पे 18-5 का पदच्युत का मामला चल रहा है, भ्रष्टाचार 420 के मामले में 120B के तहत इन पर जो है गिरफ्तारी करने का आदेश निकला हुआ है, मनरेगा में फर्जी खाता करके लूट लिया, गरीब मजदूरों का हक खाता है, एक एक आवास में 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये एक घुस रहता है, और अभी जब मजदूर अपने मन से यहाँ आ गया है तो इसको मनाने के लिए फिर आ गया कि चलिए घर पे, चलिए घर पे, सब वहाँ पर बातचीत।